ओम हरि 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 ओम। गुरु ग्रंथ साहिब ने वेदों से, पुराणों से, बाबा फरीद से, बाबा मलुक से और बाबाओं से अमृत सींचकर ग्रंथ साहिब बना दिया। गुरु मानियो ग्रंथ, उसमें नानक जी कहते हैं, कई कोट जतींद्र जोगी, कई कोट पाताल ब्रह्म रस भोगी, कई कोट पाताल के वासी, सगल समगरी तुम्हारी सूत्रधारी, तुमसे हुए सो आज्ञाकारी, तुम्हारी गतिमति तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। मनुष्य के वश का नहीं है कि सृष्टि का आदि खोजने जाए। मैं तो ये भी कहने को तैयार हूं कि सारे विज्ञानी मिलकर पूर्व का आदि नहीं खोज पाए हैं आज तक। खोज पाए क्या? जहाज दौड़ा दौड़ा कर, रॉकेट दौड़ा दौड़ा कर थक गए। पूर्व का स्टार्टिंग कहां से होता है? पश्चिम का आदि या अंत कोई बता दे। नॉर्थ या साउथ का आदि अंत खोजो। जो तुम्हारी आंखों से देखता है उसका भी आदि अंत नहीं, तो जो आंखों से परे है, अनपिया मिला और अनजाना देश है, उसकी लीला तुम्हारी लीला तुम ही जानो, हो जग के सर्जनहार। जो तिद भावे सो भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। अच्छा, आप पूर्व दिशा का आदि नहीं खोज सकते, लेकिन आप जहां है वहीं से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आप खोज सकते। ये डेस्क आपसे पूर्व है तो आप इसके पश्चिम हो गए। अगर आप यूं बैठ गए तो ये उत्तर हो गए, आप यूं बैठ गए तो दक्षिण हो गए, है कि नहीं? तो ऐसे जहां आप है वहीं से पूर्व की कल्पना, पश्चिम की कल्पना, उत्तर की कल्पना और दुख की दक्षिण की कल्पना होती है। ऐसे जहां आप है वहीं से मेरे की कल्पना, पराय की कल्पना, सुख की कल्पना, दुख की कर्म कल्पना, अपने की कल्पना और पराय की कल्पना होती है। तो आप क्या है अपने को खोज लो तो परमात्मा आपसे छुपे नहीं रह सकते हैं। देखा अपने आप को मेरा दिल दीवाना हो गया, ना छेड़ो मुझे यारो, मैं खुद पे मस्ताना हो गया। अपने आप में मस्त रहने का, अपने आप में सुखी रहने का तरीका जिसने जान लिया वो ईश्वर को खोजने को नहीं जाता, ईश्वर उसे खोजता है। बाबा जी ऐसी बात है कि हाँ बिल्कुल पक्की बोल रहा हूं। कबीर जी के वचनों में सुन लो, कबीरा मन निर्मल भयो, कबीरा मन निर्मल भयो। तुम लोग मौनी बाबा हो क्या? बोलते क्यों नहीं? माया बोलती क्यों नहीं हो? पिक्चर के गाने तो लोग शौक से गाते और भगवान की बात बोलने में क्या संकोच करना? कबीरा मन निर्मल भयो, कबीरा मन निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर, कहत कबीर कबीर। कबीर जी ने ऊंची बात और बहुत बढ़िया बताई। कबीर जी कहते हैं, यह तन विषकी बेलरी, यह तन विषकी बेलरी, गुरु अमृत की खान, गुरु अमृत की खान, सिर दीजे सतगुरु मिले, सिर दीजे सतगुरु मिले, तो भी सस्ता जान, तो भी सस्ता जान। आप कितना भी बढ़िया वस्तु खाओ मल और मूत्र हो जाएगी, अगर नहीं पची तो एसिड पॉइजन बन जाएगी। इसके सिवा तीसरा कोई उपाय नहीं। क्या ख्याल है? मिठाइयों पर अगरबत्तियां होती दिवाली के दो दिन पहले, करोड़ों रुपए की मिठाइयां, और दिवाली के दो दिन बाद मिठाइयां जब पटक पटकी जाती है, ओ बाप रे, वहां से गुजरते समय सेफ्टी टैंकों के यहां से
नक दबा के जानना पड़ेगा। मिठाइयों का कोई कसूर नहीं सरदार, मैं कोई झूठ बोलिया? कोई कुपड़ तो लिया भाई? खड़े हो जा सरदार, खड़े हो जाओ। मैं कोई जहर बोलिया? कोई ना, हाथ ऊपर करो, कोई ना बापू, कोई ना हो, कोई ना ओ बैठो, जयराम जी बोलना पड़ेगा। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। ये शरीर तो ऐसा है जो बढ़िया गंगा जल पिए, और अब मैं नाम नहीं लेता हूं ऐसी चीजों का, लेकिन बनता रोज है, न बने तो आप जी नहीं सकते। खाता तो बढ़िया भोजन मिठाई है पवित्र, और बाद में बनता क्या है? बस बंदी मुट्ठी लाख की बंदे, बोलो मत, नाम मत लो यार कथा में ऐसी चीज का। मिठाई का कोई कसूर था क्या? केवल मनुष्य के शरीर से गुजरी, उसकी यह हालत हो गई। यह तन विष की बेलरी, और ऐसा शरीर है खाद बनाने वाला, एसिड बनाने वाला, फिर भी अगर सतगुरु का मंत्र मिल जाता है, भगवान का नाम मिल जाता है, और साधना की उपासना मिल जाती है, तो आपकी चरण रज कोई ले ले तो उसका भाग्य बन जाता है। ऐसी ऊंचाई भी तो आपके अंदर छुपी है। यतन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, सिर दीजे सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। लेकिन वो भगवान मिलता कैसे है, और भगवान का आनंद कैसे आता है, भगवान का रस कैसे प्रकट होता है, वो मैं तो क्या बताऊं। भगवान के द्वारा जो कहा गया वही बात मैं आपको बताता हूं। भगवान ने कहा, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, भूमि रापो अनलो वायुखम मनोबुद्धिरेव च अहंकार इत्येव मे भिन्ना प्रकृति अष्टतः। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये पांच भूत है, मन बुद्धि और अहंकार ये तीन सूक्ष्म शरीर, ये आठों से मैं अलग हूं, और वो अलग कितना है, तुम्हारे से एक तिल भी दूर नहीं। सो साहेब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। छोटी सी कहानी सुन लो। एक बुढ़िया अपना घर बैलगाड़ी में सामान भेज दिया, घर बदल कर दूसरे गांव में जाना चाहती थी, बेटी को भेज दिया, छोटी नानी थी बेटी की बेटी, और जो कुछ था सामान गया। अब बेटे तुम जाओ, मैं आ रही हूं बाकी का सामान लेकर। एक थैली एक कंधे पे, दूसरी थैली दूसरे कंधे पे, एक छोटी सी गठरिया मत्थे पे ली। अब बुढ़िया बेचारी समेट कर चली जा रही, धूप का समय था, घोड़े सवार तबड़ाक 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 तबड़ाक। बुढ़िया ने कहा, भैया भगवान थारो भलो करेगा, बेटा वो गांव में जा रहा है ना, ए मेरी जरा सा गठरिया ले ले। कौन इंतजार करेगा तेरे को, आई हैव नो टाइम। भाग का आगे गया, कुछ सोचा कि बुढ़ी की गठरिया में चमचम चमकने वाली चांदी की थाली थी, हो सकता कि उसके ठाकुर जी सोने के हो, हो सकता कि ठाकुर जी को खिलाने के बर्तन सोने के हो। पुराने जमाने की माया है, कुछ न कुछ गठरियों में होता होगा ठाकुर जी का खजाना। उसकी नियत बद हुई, वो वापस आया, बोलता है कि ओ डोकरी बुढ़िया, वो तेरी गठरिया दे दे, मैं ले जाता हूँ। वो डोकरी हंसने लगी, बोले नहीं भैया, अब मारे देवी कोई नहीं, मैं कोई ध्यानी है, मैं पागल थोड़ी हुई हूँ। अरे तू तो बोला रही थी, बोल रही थी, बोले तब की बात अलग, अब थारी नियत में गड़बड़ हुई है। तुम्हारे मन को जो जान रहा है वो मेरे मन को कह रहा है अंतर्यामी भगवान का, के मुंह लेने भागे जाएगा डोकरी, कटे कटे पाची फूंकेंगे और लेके भाग जाएगा तू, मैं पूटे कहां तेरे को पकड़ने आऊंगी भैया, मैं अब नहीं देती। बताओ कितना दूर है? आप साथ साथ कमरे में छुप कर कोई पाप कर्म करो, बरसात की बौछार से तो छाता और रेनकोट बचा लेगा, लेकिन अंतर्यामी की नालत से आपको कोई बचा सकेगा क्या?
और साथ साथ गुफाओं में छुपकर आप बंदगी करो। लोग चाहे आपके लिए कुछ भी बोले या बके, लेकिन उसका बदला खुले आम मिल रहा है बापूजी को। जय राम। तो एक होता है जो किया जाता है, दूसरा होता है होता रहता है। जैसे भोजन पचता रहता है, समय पाकर भूख लग सकती है, लगती रहती है। आप पैसों से पकवान बनवा सकते हैं, मिठाइयां खरीद सकते हैं, लेकिन पैसों से भूख नहीं खरीद सकते। पैसों से चाटुकार नौकर खरीद सकते हैं, लेकिन सेवक तो प्रेम से ही आपकी सेवा करे। पैसों से आप ललनाएं नचा सकते हैं, लेकिन धर्म पत्नी पैसों से नहीं खरीद सकते। जयराम जी की। साथ साथ फेरे फिरने के बाद भी सदा के लिए संबंध नहीं रहता, और चार चार फेरे वाले भी सदा नहीं रहते। रहने क्या रह सकते क्या? और लवर लवरी रजिस्टर मैरिज वाले भी सदा नहीं रह सकते, लेकिन एक सदा संबंध है कि सुबह उठो, अलार्म घंटी बजा सकता जगा नहीं सकता, पत्नी कंबल हटा सकते लेकिन जगा नहीं सकती। जगाने वाला मेरा प्रभु रब तू है, अगर तू नहीं होता तो पत्नी क्या जगा सकती है। और तेरे साथ कोई फेरे नहीं, फिर भी बिन फेरे हम तेरे, ओ बिन फेरे हम तेरे। सुबह सुबह उठकर उसे प्यार करो कि बिन फेरे हम तेरे है। अगले जन्म के माता पिता नहीं, लेकिन अगले जन्म तक तू मेरे प्रभु, मेरे रब, मेरे स्वामी, मेरे साथ। अगले जन्म की पत्नी पति यहाँ मैसा सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन अगले जन्म का जो तू था मेरा साथी रखवाला, मेरा चेतन अब भी है, और मरने के बाद भी तू मेरे साथ रहेगा। मेरा यहाँ मेरा रब, मेरा परमात्मा, ओ मेरे दाता। ऐसे करके आप सुबह नींद में से बिना फेरे, जिसके फेरे पक्के हैं, उसको प्यार। एक हाथ तुम्हारा एक उसका है, तो दोनों उसी की सत्ता। फिर भी कितना परिवर्तन कर देता है मंत्र और सत्संग। सुमति कुमति सबके उर रहें, अच्छाई और बुराई सबके अंदर छुपी है, पशुता और ईश्वर सबके अंदर छुपा है, शैतान और अल्लाह सबके अंदर छुपा है। बस जिसको फकीरों का संग मिलता है, साधना का रंग लगता है, उन ओम हरि 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 ओम।